अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सोनी किचन फॉर इजी रेसिपी। तो आपने देखा आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चीज़ बॉल। तो पोटैटो चीज़ बॉल बनाने के लिए बहुत ही कम और आसान इंग्रेडिएंट लगता है जो आसानी से घर में अवेलेबल होती है। आप भी बनाइए और ये काफ़ी टेस्टी होता है व्यूवर्स। तो देखिए इसके लिए हमने लिया है, क्या है, बॉइल्ड पोटैटो, पोटैटो उबाल के रख लिए थे, चिली फ्लेक्स है ये, उसके बाद है ये चीज़ था, वो चीज़ हमने यूज़ किया है, उसके बाद ये क्या है, ब्रेड, ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स है, इसको भी ग्राइंड करके रखना है मिक्सर में, ब्रेड के जो किनारे के हिस्से रहते हैं उसको निकाल के मिक्सर में पाउडर बना लेते हैं, उसको ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। ओके, तो ये पोटैटो है मैश किया हुआ पोटैटो, अब इसमें हम ऐड करें चिली फ्लेक्स, ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है ये, लेकिन हमने घर पे बनाया है। और ये है कैरोट, कैरोट ऐड कीजिए, देखिए काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है कैरोट इसमें। और ये है कैप्सिकम, शिमला मिर्ची बारीक कटी मिर्ची। तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं जैसे बीटरूट वगैरह? हाँ, अपने ऊपर डाल सकते हैं बीटरूट, लेकिन बीटरूट का कलर उसमें जाएगा, फिर कलर चेंज हो जाएगा बीटरूट से और थोड़ा मीठापन आ जाएगा, तो बीटरूट अवॉइड डाल सकते हैं, बारीक बारीक चॉप किया हुआ, तो अनियन ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल सकते हैं। तो ये ब्रेड क्रम्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इससे क्या ये क्रंची हो जाता होगा ना। तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए वो ब्रेड क्रम्स डालते हैं। ओके, तो ये है क्या है, ओरिगैनो, ओरिगैनो ये ज़्यादातर पिज़्ज़ा वगैरह में डालते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं डालेंगे इसमें, मेरे पास था तो मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये इसका चिली फ्लेक्स और ये ओरिगैनो का जो है कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा होता है, अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है, आपको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये, उसके बाद हम ये क्या ऐड कर रहे हैं, नमक है, सॉल्ट, नमक ऐड करना है एज़ पर टेस्ट आपको, नमक, ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर और काली मिर्च पाउडर, ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें, नहीं ब्लैक सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। ओके, तो चटपटा चाट मसाला नहीं बनाना है। तो ये जो है फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिए है ताकि थोड़ा चिकनापन आ जाएगा ऑयल डालने से, बॉयल बनाएंगे बॉल, इसको बॉल बनाने में आसानी होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। तो ये इस तरीके से आपको बना लेना है। और ये है चीज़, तो आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बॉल बना लीजिए। तो व्यूअर्स आप भी इसे ट्राई कीजिए और ये रेसिपी आपको कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक हमें आपका बहुत अच्छा लगता है, हम हर एक कमेंट को रीड करते हैं और सबको रिप्लाई भी करते हैं ज़्यादातर। तो इसी तरीके से आसान रेसिपी हम आपके लिए लेके आते हैं सोनी किचन में। और आपकी अगर कोई फरमाइश हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उस रेसिपी को ज़रूर लेके आएंगे और काफ़ी आसान इसमें ले आएंगे ताकि आप आसानी से उसे बना सकें, ऐसे सारे चीज़ बॉल बना लेंगे। तो देखिए हमने इतने सारे चीज़ बॉल बना लिया है, अब इसको क्या करना है हमको, ये क्या है, मैदा स्लरी, मैं देखा घोल है वो, तो ये मैदा है जिसके अंदर हमने पानी ऐड किया है और इस तरीके से बना लिया है पेस्ट। तो ये कितना है मैदा होगा, दो तीन चम्मच, तीन चम्मच मैदा है और दो चम्मच पानी है, तो थोड़ा गाढ़ा ही घोल बनाएंगे। तो एकदम आपको पानी जैसा उसको नहीं बनाना, लाइट थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए वो, ताकि उसके ऊपर चीज़ बॉल के ऊपर, पोटैटो के ऊपर वो चिपका रहे, स्टिक अच्छे रहे, से कोट कर लेंगे बॉल के ऊपर। तो देखिए हमारा वो आप देख सकते हो मैदे का जो घोल है काफ़ी गाढ़ा है, उस पर आसानी से उस पर रह रहा है। और फिर ये ब्रेड क्रम्स जो है उसके ऊपर आपको इस तरीके से लगा लेना है। तो व्यूवर्स आप भी इसे बनाइए, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, इसमें जो चीज़ होता है अंदर जाके मेल्ट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसे गर्मा गर्म खाए तो इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो कोशिश करें कि इसे बनाने के बाद तुरंत इसे
खाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाता है तो इसका टेस्ट जो है वो उतरने लगता है। फ्लेम को लो रखेंगे, तो लो फ्लेम पे इसे आपको चीज़ बॉल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। तो इसे आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है और लो फ्लेम पे ही रखना है। ये हल्का ब्राउन हो जाए तो फिर इसे निकाल देना है। तो देखिए ये हमारा अभी हल्का ब्राउन होने ही वाला है। तो कितने टाइम में हो जाता है ये? लगभग 2 से 3 मिनट। तो ध्यान देना है, अगर आपने इसे ज़्यादा कुक कर लिया तो कभी कभी ये बॉल फूटने लगते हैं। तो देखिए ये हमारे साथ वही हुआ, हम थोड़े दूसरे रिकॉर्डिंग में कुछ बिजी हो गए, तो देखिए हमारा ये थोड़ा सा वो हो गया, हमने इसे हल्का सा ज़्यादा कुक कर दिया है तो हल्का सा ये देखिए फूट गया है, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट बना है व्यूअर्स। और देखिए ये हमसे हल्की सी गलती होने से ये थोड़ा सा फूट गया है, लेकिन टेस्ट में इसकी कोई कमी नहीं आई है और इसके सॉफ्टनेस में कोई कमी नहीं आई है। ये हल्का सा फूट चुका है, लेकिन व्यूअर्स आप भी इसे बनाएं और फ्लेम का सिर्फ ध्यान रखिए कि फ्लेम जो है ज़्यादा हाई ना हो, और आपको थोड़ा ज़्यादा देर तक इसको कुक नहीं करना है। हार्डली 2 से 3 मिनट में आप इसे उतार दीजिए और इसके साथ या हरी चटनी के साथ खाएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।